ऐसी मुर्गी पकी हुई मेरे अबू को भी बहुत पसंद है, वो गोश्त का बड़ा शौकीन था। इस बार मैं बोल रही हूँ, हो सकता है उसने अमेरिका में जाके जन्म लिया हो। भाई आप सवाल पूछो, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। आपने अमेरिकन रोटिसरी चिकन के बारे में सुना है? अमेरिकन रोटिसरी चिकन, चिकन का नाम तो सुना है सर, कमल की होगा। ये रोटिसरी क्या होता है? मेरा रोटी चिकन, रोटी का चिकन या रोटी के साथ चिकन? रोटिसरी चिकन बनाने के एक तरीके को कहते हैं। गोश्त तो और मैं भी बना खाए तो ऐसी ये भी तो नामुमकिन बात होगी जी। मैं तो आंखें बंद करके अमेरिका की चीज जो भी लेके आओगे मेरे सर आंखों में। अल्लाह की कुदरत, लेकिन खाल के साथ है यार, मजा नहीं। अमेरिका की मुर्गी देखो ऐसे खाते हैं, बेइज्जती कर रही बेचारी की टांग उठा के। ये अंडा मंडा तो अंदर तो नहीं, दुबला हुआ नजर आ रहा है। खाल को जरा ऐसे करो ना, ऐसे नहीं भाई, खाल तो वहाँ पे उतार दें फिर पकाएं। अभी खाल का जायका इसमें आ गया। नहीं आएगा सर जायका, किधर है? पहले ये हाथ काटूं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है तेरे बड़ा। अब इसी के बारी ये काटो फिर, देख खुद ब खुद अरे पका हुआ बेहतरीन निकल गया। ये निशानी है इंतहाई जबरदस्त पकने की। सलादी जी के साथ खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बकरी आप पत्ते का रहे बेहतरीन, सुभान अल्लाह खाते हैं जो मेरी सुभान अल्लाह। नहीं मैं जायके को देख रहा हूँ और पकने के अंदाज को। आप खाओ ना, आप मेरी जगह पे हो। ऐसी मुर्गी पकी हुई मेरे अबू को भी बहुत पसंद है, वो गोश्त का बड़ा शौकीन था। हो सकता है उनको भी अमेरिका की चीज़ें पसंद होगी। इस बार मैं बोल रही हूँ, हो सकता है उसने अमेरिका में जाके जन्म लिया हो। भाई आप सवाल पूछो, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। आप लोग चिकन किस तरह से बनाते? एक इस तरह मैंने इसमें एक लट लगाते हैं सीख, फिर बीच में लगाते हैं, इर्द गिर्द कोयले हो बीच में लगाते हैं, इस तरह पकते हैं। बाकी दूसरे तेल में भी पकाते हैं। लेकिन हमने जो रोस्ट किया था ना वहाँ पे नमक के साथ, ये इसी तरह साबित मुर्गी हमने मसाले वगैरह लगा के नीचे देख के नमक डाल दिया था, फिर उसके बाद कवर किया था जो एलिमिनेशन क्या है वो उसके साथ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ कवर किया था, फिर रख कर 1.5 घंटा हमने पकाया था। वो बाफ पर ही पक गया था गोश्त, बिल्कुल इसी तरह का, वो भी ट्राइबल फूड भी आप देख सकते हैं। एक दिन गर्दन का सालन लेके बना के खा, फिर तू बोलेगी। घर में बनाता है, कभी आ भी जाती गर्दन, लेकिन खाते नहीं शौक से। भिंडी बहुत अच्छी है, मैं तो शौक से कभी कभी लेके आती। मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक ऐब की वजह से, क्योंकि खा ले मेरा दिल नहीं करता। हिम्मत करो शेर, खत्म हो गया एपिसोड। सर मेरी खाने की बारी है, आपकी बातें करने की बारी है। ये इतना मशहूर है कि अमेरिका में इस डिश के लिए एक खास दिन मनाया जाता है। अच्छा कब? नेशनल रोटिसरी चिकन डे 2 जून को मनाया जाता है। सर वो अपने खानों की कितनी अहमियत देते हैं? सर मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। क्यों लगा ये तली हुई मुर्गी? तली हुई मुझे तो नहीं लग रही थी, आपको कहाँ से लगी? मुझे तो लगी, तुझे नहीं लगी तो क्या? और मुझे भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मेरा दोस्त खा रहा था, मेरा दिल ठंडा हो रहा था। मैंने कहा भाई सुकून आ गया, उसे कोई खौफ नहीं है कि भाई ये टांग खा लूँ या वो खा लूँ, मंजूर कोई नहीं उठाएगा, बिल्कुल खुल के खा रहा था। वंडरस्टिक, वंडरफुल चिकन। हमारे यहाँ एक कहावत है, वो महबूब भाई को खाते हुए देखकर वो मुझे याद आया कि भाई कहावत है कि दुश्मन की मुर्गी को खाल समेत ही खा लो। आज पहली दफा देख भी लिया कि भाई दुश्मन की मुर्गी को ये खाल समेत मुल्ला खा। सही है, अमेरिका दुश्मन हमारा नहीं है, दोस्त है सर। दुश्मन नहीं है, दोस्त है। नहीं अमेरिका ये खाते हैं सारा दिन, तो हम भी खाएंगे। अमेरिका शहर है, वो नहीं खाते, उसमें लोग रहने वाले वो खाते। इतनी मैं पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे पागल बना रही है। इतना अच्छा बनाया है। कुछ ऐसे होते हैं जो कोयले में बने, जिसने कोयले में नहीं बनाया, हीटरों में शायद बनाया इसको।
जी नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल का बटन दबाएं, कमेंट में अपनी राय दें कि ये रोटी सिरा चिकन आप कितना खाते हो, कितना आपको पसंद है। हम लोगों ने यहाँ एक स्कूल खोला है गरीब लड़कियों के लिए, आप लोग हमारे साथ ताबुन करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम इन गरीबों का मदद कर सकें। आपका बड़ी बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। रोटी सिरी जिंदाबाद, रोटी सिरी, अभी घूमेंगे, रोटेट रोटेट।